हम लोग के पास ना यार इग्नू में ही जैसे मीडियन के लिए क्वेश्चन आता है वैसे ही कई बार पूछ लेते हैं कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूटिंग द मोड ये एक टेबल दिया हुआ है एज यू कैन सी। इस टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे मोड निकालेंगे। तो नॉर्मली इसमें जो बिगेस्ट टर्म है वैसे 50 to 60 के सामने 45 दिया हुआ है। तो बिगेस्ट टर्म यहाँ पे 45 नंबर ऑफ फॉर्म्स में एज यू कैन सी। सो इसके रेफरेंस से हम निकालेंगे सारी वैल्यूज। नाउ लेट्स सी कैसे होता है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं अपने को मोड निकालना है। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस डी वन बाई डी वन प्लस डी टू इंटू आई। तो इसमें जो एल होता है ना ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो ये वाला डी वन है ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड दैट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास जिसे पहले वाली है। और वैसे ही D2 जो होगा वो सेम चीज़ है बस यहाँ पे आ जाएगा सक्सीडिंग क्लास जो इसके बाद वाला है। आई टेल यू व्हाट डज इट मीन। आई अपने को पता है इट इज़ द साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे जो अपने को सबसे बड़ा इसमें देखना है हमारे पास जो टेबल है उसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स में जो सबसे बड़ा नंबर है से इट इज़ 45। तो 45 वाली लेन में चलेंगे हम लोग। ठीक है जो D1 होगा वो होगा 45 माइनस उससे ऊपर वाला नंबर 27 है। ठीक है वही हम नीचे भी ये D1 की वैल्यू होगी। ठीक है D2 की वैल्यू क्या होगी 45 माइनस जो उसका सक्सीडिंग नंबर है जो यहाँ पे है 35 एज यू कैन सी इन द टेबल। 35 ये होगा D2 की वैल्यू आ गई आपके पास। L क्या है L है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। 25 की जो डेली सेल्स है वो 50 to 60,000 है तो उसमें जो लोअर लिमिट है वो 50 है तो इट वुड बी 50 ईयर। आई जो है वो डिफरेंस होता है जो भी जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल डेली सेल्स दिया है सो 10 to 20, 20 - 10 वुड बी 10, 70 to 80, 80 - 70 वुड बी 10। सो ये कॉमन ही होगा जो इनका डिफरेंस है वो 10 आ गया। ये जितनी भी वैल्यूज है ये सब हम यहाँ पे मोड के फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। 50 + 45 - 27 / 45 - 27 + 45 - 35 × 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा फॉर से लाइक 5, 3, 8 और इधर आ जाएगा 10, 18। ये आ गया हमारे पास 10 / 28 × 10 + 50 जिसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ अभी कैलकुलेट वुड बी 45.43। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.43। सो दिस इज द मोड ये अपना आंसर आ गया। सॉरी इट वॉज नॉट विजिबल। नॉर्मली क्या है अपने को सिर्फ मोड का एक फॉर्मूला याद रखना है एल प्लस डी वन बाय डी वन प्लस डी टू इंटू आई। जब हमारे पास टेबल आएगा टेबल में अपने को जो भी फॉर्म्स हैं जैसे कि राइट साइड में जो भी है उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इसमें 45 थी। हमारे पास तीन चीज़ें मैटर करती है वो मैक्सिमम टर्म उसके ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म जो कि डी वन निकालने के लिए हमारे को ऊपर वाली टर्म की जरूरत पड़ेगी 45 - 27 जिसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है और डी टू की वैल्यू निकालने के लिए सक्सीडिंग क्लास की पड़ेगी जरूरत। तो 45 - 35 के लिए हमें 50 अपने को पता है लोअर लिमिट है जहाँ पे 45 था उसका लोअर जो नंबर है 50 to 60 तो उसमें 50 आ गया। और जो डिफरेंस होता है हम लोग का जो भी हम लेफ्ट साइड में अपने पास लिमिट आती है लाइक 10 to 20, 20 to 30 जिनका डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो हो गया अपने पास 10 यहाँ पे साइज ऑफ मॉडल क्लास जिसे बोलते हैं क्लास में कितना। एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोड। थैंक्स बाय बाय।